गरिमापुर नाम के एक गांव में सभी जानवरों ने मिलकर एक समझौता किया था कि कोई भी मांसाहारी जानवर कभी भी शिकार नहीं करेगा, सिर्फ मरे हुए या मरे रहे जानवर को ही खाएगा। इस समझौते से सब खुश थे और बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उसी गांव में लगेता नाम की गर्भवती बैंस अपने पति रगनर बैल के साथ रहती है। लगेता हर रोज की तरह जंगल में घूमकर घास खाने के लिए जा रही थी। आज मत जाओ ना, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज मैं ही जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम घर पर ही आराम करना। अब फिर से शुरू हो गए, ऐसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जाकर बाजार से कुछ अच्छा खाना लेकर आओ, आपके लौटने तक मैं सिर्फ थोड़ा सा ही घूम कर आती हूँ। ऐसे रगनर के मना करने के बावजूद भी लगेता जंगल में घूमने के लिए जाती है। कुछ देर इधर उधर देखकर घूम रही लगेता की नजर एक शेर पर पड़ती है जो उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। क्या बात है शेर, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। फिर तो तुम समझदार हो भाई, मैं थक गया हूँ यह मरे हुए जानवरों का मांस काका कर। मुझे अब ताजा मांस चाहिए, तुम्हारा मांस चाहिए, मोटी स्वादिष्ट बेंस। ऐसे कहते हुए वो शेर लगेता की ओर बढ़ रहा था। लगेता उससे विनती कर रही थी, उसे छोड़ने को कह रही थी और कह रही थी कि वो गर्भवती है। शेर को उसकी बातें सुनकर और भी जोश आ रहा था। ठीक है बेंस, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं 10 से 1 तक के उल्टे गिनती गिनता हूँ, तब तक तुम दूर भाग जाओ या कहीं जाकर छुप जाओ। इससे तुम्हें भी बचने का एक मौका मिलेगा और मुझे भी भगा कर शिकार करने का आनंद मिलेगा। वो भैंस गर्भवती होने की वजह से ज्यादा तेज या ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकती थी, इसलिए होशियारी से वहाँ की मुखिया शेरनी के घर की ओर भागने लगती है। लेकिन उसके घर तक पहुँचने से पहले ही थक कर गिर जाती है। मुझे नहीं पता था कि तुम 4 कदम चलते ही गिर जाओगे बेंस। मैंने जितना सोचा था उतना मजा तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब देर किए बिना तुम्हारा भोजन करना ही पड़ेगा। ऐसे कहते हुए वो शेर उस भैंस के पास आ रहा था। तभी मुखिया शेरनी एक छलांग लगाकर उनके बीच कूदती है। कौन हो तुम और इस बेचारी भैंस के पीछे क्यों पड़े हो? तुम इस जंगल के नहीं हो, चुपचाप अपने घर लौट जाओ। मैंने ऐसे ही शिकार किया था कहकर उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं, कम से कम इस मोटी बेंस को खाने से पहले तो नहीं जाऊंगा। रोकने की बेकार कोशिश भी मत करना। ऐसे जिद कर रहे शेर को संग सिखाने के लिए शेरनी उससे लड़ने के लिए सामने आती है। ऐसे दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है। यहाँ पर शेरनी बहादुरी से लड़ रही थी और वहाँ पर भैंस की दर्द में मर रही थी। तभी वहाँ पर उसका पति उसे ढूंढते हुए आता है और उसे सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है। कुछ देर बाद लगेता और रगनर अपने बच्चे को लेकर शेरनी के पास आते हैं। तब तक शेरनी उस शेर के हाथ पैर बांध कर रखी थी। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, और मैं अपने पति से भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उनके मना करने के बावजूद भी जंगल में जाने की जिद की थी। अगर आप ना होती तो मैं और मेरा बच्चा मरे पड़े हुए होते। तुमने कोई गलत काम नहीं किया है लगेता,
ये जंगल सबके लिए समान है। तुम जब चाहे तब यहाँ पर घूम सकती हो। अगर तुम्हें या किसी और को यहाँ आने से डर लगता है तो मुखिया होने के नाते वो मेरी गलती होगी, जैसे कि इस जैसे जानवर को खुले में घूमने देना। ऐसे कहते हुए वो शेर ने उस शेर को ले जाकर जिंदगी भर के लिए जानवरों वाले जेल में डाल देती है और सबको चेतावनी देती है कि दोबारा ऐसा करने पर मौत की सजा भी दी जा सकती है। इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मुझसे ज्यादा होशियार भी है, लेकिन यहाँ की मुखिया सिर्फ मैं ही हूँ और तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। लगेता और रग्नर अपने घर लौट जाते हैं और अपने छोटे से बच्चे के साथ बहुत खुशी से रहने लगते हैं। जुमकापुर नाम के एक गांव में टिन्नू, फुगली, कटली और फिरकी नाम के चार दोस्त रहते हैं। फुगली और कटली सफेद बैल है और फिरकी गाय भी एक सफेद गाय है, लेकिन टिन्नू एक काला बैल है। इसीलिए हमेशा तीन दोस्तों की बात एक होती है और टिन्नू बैल की बात अलग होती है। मैं कहता हूँ इस बार भी न्यू ईयर फिरकी के घर के छत पर ही उड़ाते हैं। हर बार यही तो होता है। नहीं नहीं, इस बार मेरे घर पर नहीं हो पाएगा। पिताजी ने पहले ही कह दिया है अगले साल शादी करनी है, इसलिए अभी से ये सब बंद करना होगा। ये न्यू ईयर मनाना और दोस्तों के साथ फिरना। कोई बात नहीं, इस बार का न्यू ईयर ग्राउंड में ही मना लेते हैं। अच्छे से आग जलाकर, इस ठंडे मौसम में और क्या चाहिए। ऐसे हमेशा की तरह वो तीनों ही बातें कर रहे थे और उनके बीच में खड़ा हुआ टिन्नू सिर्फ अपना मुंह खोल रहा था और बंद कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक चू की आवाज भी नहीं निकल रही थी। अगर वो सब टिन्नू की बात सुन लेते तो उनका न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो सकता है। टिन्नू बैल के पास एक बड़ा घर है, ढेर सारे पैसे हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने वाले माँ बाप है। फुगली, कटली और फिरकी को इस बात की भी सबसे ज्यादा जलन है। वो चला गया है हमेशा की तरह खड़ा रह रहकर, और वो करता भी क्या है, सिर्फ नाम का दोस्त है। मुझे तो उससे दोस्त वाली फीलिंग भी नहीं आती है। अगर हमारा ये घमंड बीच में ना आता तो हम इतना बढ़िया न्यू ईयर मना सकते हैं कि बरसों तक याद रह जाएगा। लेकिन क्या करें, उस कालू को देखते ही सारी इच्छाएं मर जाती है सच में। यही बात है ना, पता नहीं उसके माँ बाप ने कहाँ पर पैदा किया है नमूने को जो इतना काला है। मैं तो कहता हूँ उसे पास भी नहीं आने देना चाहिए। बाहर ही खड़ा होकर अपने दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टिन्नू बैल बहुत दुखी होता है और सीधे घर लौटकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगता है। तब उसकी माँ उसके पास आती है और अपने इतने बड़े बेटे को रोते हुए देखकर डर जाती है। क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों रो रहा है, किसी ने कुछ कहा तो बता मुझे, अभी उसकी खाल निकलवा दूंगी। यही तो समस्या है माँ, मेरे सभी दोस्त सफेद हैं और मैं इतना काला हूँ, इसीलिए कोई भी मुझसे बात नहीं करते हैं और मेरे पेट पीछे बहुत बुरी बातें करते हैं। अपने बेटे की बातें सुनकर टिन्नू की माँ को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को समझाने की और उसकी हिम्मत बढ़ाने की पूरी कोशिश करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है। तुम्हारे दोस्त मूर्ख है, इस बात में कोई शक नहीं है बेटा। बैल को रंग से नहीं, उसकी सोच और बैंक बैलेंस से जज करते हैं। तुम चिंता मत करो, वो दोस्त तुम्हारे लायक नहीं है, जाकर नए दोस्त बनाओ। ऐसे
इसे प्रोत्साहित करने पर टिन्नू बैल का थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो नए दोस्त बनाने के लिए बाहर निकलता है, नए लोगों से मिलता है और उसके घर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आने को कहता है। हाँ, मेरा घर बहुत बड़ा है, हम हमारे मेहमानों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। वैसे भी तुम तो मेरे दोस्त हो, बहुत मजा आएगा। मैं जरूर आऊंगा दोस्त, वैसे भी सारी जिंदगी टूटी फूटी झोपड़ी में ही गुजारी है, कभी तो महल के छत के नीचे कुछ पल गुजारने मौका मिलना ही चाहिए। ऐसे टिन्नू बैल होशियारी और समझदारी से सिर्फ उन लोगों को दोस्त बनाता है जो सारी जिंदगी उसी की तरह एक अच्छे दोस्त के लिए भटकते रहे हैं। ऐसे न्यू ईयर के दिन सारे लाइट्स और सारी आवाजें सिर्फ टिन्नू के ही घर से आ रहे थे। उसने वादे के मुताबिक अपने नए दोस्तों के लिए हर चीज का इंतजाम किया था। सब बहुत खुश थे और टिन्नू के पुराने दोस्त उसके घर से निकलने वाली रोशनी देखकर ऐसे बातें कर रहे थे। लगता है टिन्नू के घर बहुत सही पार्टी चल रही है। मुझे लगता है हमें अपना गमन त्याग करके उसके घर पार्टी के लिए जाना चाहिए। मुझे भी यही सही लगता है, वैसे भी ये मेरा आखिरी न्यू ईयर है। अगले साल पता नहीं कैसा नमूना मेरा पति होगा। ऐसे कहते हुए सब मिलकर टिन्नू के घर जाते हैं। टिन्नू उन्हें देखकर मन में कोई खोद रखे बिना अंदर बुला लेता है। तीनों दोस्तों को क्या बात करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए बेकी बेकी बातें कर रहे थे। तब टिन्नू बैल कहता है कि उन्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, उसने उनकी हर एक बात सुन ली थी, फिर भी वो उन सबको माफ कर चुका है। वो बात सुनकर दोस्त शर्मिंदा होते हैं और टिन्नू से माफी मांगकर न्यू ईयर अच्छे से मनाते हैं।